सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक फूल की चाह कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके रचयिता सिया राम शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ गोपिका, नकुल और कहानी, उपन्यास, नाटक, फिर गीता संवाद इत्यादि प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गया। तो आइए हम शुरू करते हैं इनके कविता के वाचन से। कविता का वाचन करने के बाद उसमें आए हुए कठिन शब्द का अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद भावार्थ करते हुए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता का वाचन। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धड़का कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृष द्रव में हाहाकार अपार असान। फिर से सुने एक बार कविता का वाचन। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृष रव में हाहाकार अपार अशांत। तो कविता का वाचन पूरा हुआ बच्चों। यहाँ पे देखिए चंद बिंदु छूट गया है। तो आइए हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ आपको बताते चलें। तो उद्वेलित मतलब होता है भाव विभोर हो जाना। अश्रु मतलब आंसू, राशियां मतलब एक तरह से झड़ी, लगातार आंसुओं का बहना, लगातार आंसुओं का बहना। आगे देखो, हृदय चिताएं मतलब हृदय के दुख, हृदय चिताएं मतलब हृदय के दुख, ठीक है। धधकाना मतलब बढ़ाना होता है। अभी पहली पंक्ति में आए हुए कठिन शब्द को हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, पुनः एक बार बता रहा हूं। उद्वेलित मतलब होता है भाव विभोर हो जाना। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु मतलब आंसू, राशियां मतलब झड़ी, यानी आंसुओं की झड़ी। दूसरा अर्थ हम ये कह सकते हैं आंसुओं का बहना। हृदय चिताएं मतलब हृदय के दुख, धधकाकर मतलब बढ़ाना, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पे हम आते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। महामारी प्रचंड हो, महामारी बीमारी है जो विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी है। महामारी किसको बोलते, जो बहुत तेजी से विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए उसे महामारी बोलते हैं। जैसे आज की महामारी देखो, कोरोना है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, सभी लोग त्रस्त हैं उस बीमारी से, उसे हम महामारी कह सकते हैं क्या महामारी है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रचंड हो, प्रचंड का यहाँ अर्थ है तीव्र, तीव्र मतलब बहुत तेज, ठीक है, बहुत
तेज हो फैल रही थी, चारों तरफ महामारी क्या हो रही थी, फैल रही थी इधर उधर। आगे देखो, क्षण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान। यहां क्षण मतलब कमजोर, कंठ मतलब गला, तो दोनों का अर्थ हो गया दबी आवाज। क्या अर्थ हो गया? दबी आवाज, ठीक है। मृतवत साओं का अर्थ यहां है जिन माताओं की संतानें मर गई हो, जिन माताओं की संतानें मर गई हो उसे मृतवत साओं कहते हैं। आगे देखिए, करुण, करुण का अर्थ क्या होता है? करुणा उत्पन्न करने वाला, करुण रूप रुदन। अगर एक में हम इसका अर्थ लेते हैं तो दोनों का अर्थ देख लीजिए, करुण रुदन करुणा उत्पन्न कर देने वाला विलाप, ऐसा विलाप ऐसा रुना जो दया उत्पन्न कर दे, ठीक है। आपको सारे शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखा हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। दुर्तान जिसे बस में करना कठिन हो, ठीक, हृदय को दहलाने वाला ऐसा बीमारी। आगे देखो, नितांत, नितांत मतलब बिल्कुल। चौथी लाइन पे आइए, भरी हुए था निज कृष्ण में, निज मतलब अपना, ठीक, कृष्ण कमजोर, रव मतलब शोर, एक तरह से आवाज, हाहाकार एक शब्द है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ठीक। आगे देखिए, तो बच्चों इसमें आए हुए सभी कठिन शब्द का आपको अर्थ बताया गया। अब हम आते हैं इसके प्रसंग पर, उसके बाद भावार्थ करते हुए काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए, पहले पद्यांश का हम सौ प्रसंग व्याख्या करें, तो प्रसंग सुने। इस कविता में कवि ने महामारी से ग्रस्त, इस कविता में कवि ने महामारी से ग्रस्त कन्या की व्यथा को चित्रित किया है। इस कविता में कवि ने महामारी से ग्रस्त कन्या की व्यथा को चित्रित किया है, उसके दुख को बताया है, जो देवी के चरणों में अर्पित एक फूल की कामना करती है, जो देवी के चरणों में अर्पित एक फूल की कामना करती है, परंतु समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या उसकी इस इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाती है। तो बच्चों ये प्रसंग हुआ, अब हम आते हैं भावार्थ पर। तो देखिए कवि क्या कह रहा है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, इन पंक्तियों में कवि महामारी के फैलने का वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? तो वहां पे दिया है दूसरी लाइन, आप देखो, महामारी प्रचंड हो, प्रचंड हो मतलब तीव्र हो। यहां अगर आपको पूछा जाए इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो महामारी का वर्णन किया गया है। तो कवि इन पंक्तियों में महामारी के फैलने का वर्णन करते हुए लिखता है, क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि महामारी प्रचंड होकर फैल रही थी इधर उधर। कवि कह रहा है कि महामारी के फैलने से लोग
मर रहे थे। महामारी के फैलने से लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे। फिर से सुने, कवि इन पंक्तियों में महामारी के फैलने का वर्णन करते हुए लिखता है कि लोग महामारी से मर रहे थे। अभी हम दूसरी लाइन पे हैं। महामारी के फैलने से, महामारी के इधर उधर तेजी से फैलने से लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे। आगे देखो क्या कह रहा है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, कह रहा है कि भाव विभोर होकर के मृतकों के सगे संबंधी, मृतकों के सगे संबंधी परेशान और पीड़ित होकर, परेशान और पीड़ित होकर निरंतर आंसू बहा रहे थे। देखो क्या बोल रहा है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु राशियां मतलब निरंतर आंसू बहा रहे थे। हृदय चिताएं धधका कर, उनके हृदय रूपी चिताएं धधक धधक कर पीड़ा को व्यक्त कर रही थी, अपने दुख को व्यक्त कर रही थी। आगे देखो क्या कह रहा है कि भीषण महामारी इधर उधर प्रचंड हो करके फैल रही थी। आगे कह रहा है कवि, छिन्न कंठ मृतवत साओं का, कह रहा है मृतवत साओं जिन माताओं की संतानें मर गई थी या जिन माताओं की संतानें मौत को प्राप्त हो गई थी, वे अपने कमजोर गले से चीख चिल्ला रही थी। छिन्न कंठ, उनके गला कमजोर हो गया था, बोलने की शक्ति नहीं रह गई थी उन माताओं की, जिन माताओं की संतानें मर गई थी, मौत को प्राप्त हो गई थी, उनके गले कमजोर हो गए थे, वे अपने कमजोर गले से चीख चिल्ला रही थी। आगे देखो, उनकी करुणा से भरी, भरे हुए था निज क्रिस राव में, भरे हुए था, निज मतलब अपना लिखा हुआ है, क्रिस मतलब कमजोर, राव मतलब शोर करना, कह रहा है कि उनकी करुणा, करुणा करुण रुदन दुर्दांत नितान, कह रहे हैं उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रहा था। दुर्दांत मतलब यहां पे दिया हुआ है जिसे बस में करना कठिन हो उसे दुर्दांत बोलते हैं। कह रहे कि उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रही थी। आगे देखो क्या कह रहा है, भरे हुए था निज कृषो कृष रव में, सॉरी चौथी लाइन की हम व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अपने कमजोर और दीनहीन हाहाकार के शोर में, निज निज मतलब अपना, क्रिस मतलब कमजोर, राव मतलब शोर, करे अपने कमजोर और दीनहीन हाहाकार के शोर में उनकी आसान कर देने वाली अपार मानसिक पीड़ा छिपी हुई थी। हाहाकार अपार आसान, फिर से सुने, कवि कह रहा है कि अपने कमजोर और दीनहीन हाहाकार के सुर में उनकी अशांत कर देने वाली पीड़ा, अपार मानसिक पीड़ा पहुंचा रहे थी, अपार मानसिक पीड़ा छिपी हुई थी। अब हम थोड़ा अर्थ ग्रहण संबंधी, काव्य सौंदर्य संबंधी कुछ बात पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, तो आप सुने। पहला प्रश्न है मेरा कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, आप बताइए किस रस का प्रयोग किया गया है।
कर्ण रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? क्या था लोगों की मृत्यु का कारण? उस क्षेत्र में फैली महामारी थी। तो बच्चों, इस तरह से अनेक प्रश्न अर्थग्रहण संबंधी इस पद्यांश से बनता है, तो आप भी बनाइए और मैं फिर आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।